नोबेल शांति पुरस्कार उस व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो दुनिया भर में शांति बहाली में उत्कृष्ट योगदान को बढ़ावा देता है। नोबेल शांति पुरस्कार उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक यानी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है। हालांकि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को मिलाकर कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 117 साल पहले 10 दिसंबर 1901 को जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पासी को दिया गया था। 1901 से 2019 के बीच अब तक 100 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939 और 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण गांधी जी का दावा इस पुरस्कार के लिए बहुत मजबूत हो चुका था। उन्हें 1948 में फिर से नामांकित किया गया था और यह निश्चित था कि उन्हें इस बार नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। लेकिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा के कुछ दिन पहले महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी। दरअसल नॉर्वेजियन नोबेल समिति के नियम के अनुसार नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और वह इसे प्राप्त करने से पहले मर जाता है तब भी उसे पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल समिति का यह भी नियम है कि 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक नोबेल पुरस्कार साझा नहीं किया जा सकता है। हालांकि 3 से अधिक लोगों के संगठनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है। गांधी जी की मृत्यु के बाद नोबेल कमेटी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में गांधी जी का नाम ना होने से समिति को दुख हुआ है। यही कारण है कि वर्ष 1948 में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया था। यह गांधी जी के प्रति नोबेल समिति का सम्मान था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की सूची में गांधी जी का नाम ना होने से नोबेल समिति काफी दुखी थी और जब वर्ष 1989 में जब दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो नोबेल समिति के अध्यक्ष ने कहा कि दलाई लामा को यह पुरस्कार महात्मा गांधी की याद में श्रद्धांजलि है क्योंकि दोनों ही महात्मा हैं।